समस्तीपुर शहर के ओवरब्रिज के पास एसडीओ कार्यालय के पास शुक्रवार की शाम एक तेज रफ्तार बोलेरो की ठोकर से बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा देकर बाइक से अपने पति के साथ वापस जा रहे थे। परीक्षार्थी समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के अनुसार बोलेरो पर पुलिसकर्मी सवार थे और घटना के बाद वे सभी घायलों को वहीं पर छोड़कर बोलेरो छोड़ भाग गए। घायलों को स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में बाइक सवार दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के अनिल कुमार सिंह की पत्नी सविता देवी एवं साइकिल वारिस नगर थाना की नागर बस्ती निवासी बबलू शाह के रूप में हुई है। घटना शुक्रवार की शाम 6 बजे के आसपास की बताई गई है। घटना के संबंध में घायल सविता देवी ने बताया कि वह अपने पति अनिल कुमार सिंह के साथ बीपीएससी परीक्षा देने शहर के ही आरएनआर कॉलेज आई हुई थी और परीक्षा उपरांत वह बाइक से अपने घर बहेरी जा रही थी। इसी दौरान बोलेरो के साथ यह घटना घट गई और इसमें एक साइकिल सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। वहीं नगर थाना अध्यक्ष विक्रम आचार्य ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? घर से काम पर से जा रहे थे, राजनीति काम करते हैं, जा रहे थे घर ऐसे। इसके बाद ऐसे प्रशासन का गाड़ी ऐसे चला दिया ऐसे। कहाँ पर हुआ था घटना? ये ऑफिस के सामने। घर कहाँ हुआ आपका? डैनी में। कौन सा थाना? कौन सा थाना? एस टी ओ ऑफिस में। हाँ हाँ, वो रेंज के नीचे घूमते हैं पर। अच्छा, आपका क्या नाम है? बबलू शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? नारवसी डैनी में।